गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट करता हूँ एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस की क्लास में कल हमने फिल्टर पढ़ा हुआ था, आज हम उसी के आगे मैंने आपको सिलेबस बताया था। कल हम यहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे, एडवांस फिल्टर क्वेरी। आज हम पढ़ेंगे क्वेरी। क्वेरी को क्रिएट करना, वन टेबल, फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ओके, फाइंड अनमैच रिकॉर्ड, क्वेरी को रन करना, क्वेरी को सेव करना, चेंज करना। आज हम ये देखेंगे। नोट्स आपके पास है, ये नोट्स मैंने भेजा है, उसपे सारा दिया हुआ है आपको। पहले इसमें फिल्टर के बारे में दिया हुआ है, ये हमने यहाँ से पढ़ा था, ये कल ज्वाइनिंग बताया था, रेफरेंस एंड इंटीग्रिटी हम पढ़ चुके हैं, फिल्टर क्वेरी और दोनों में अंतर भी यहाँ पे बताया गया है। टाइप ऑफ फिल्टर भी कल मैंने बताया था, ये टाइप ऑफ फिल्टर जो कल यूज किए थे, हाउ टू एडवांस फिल्टर भी यूज करके हमने दिखाया था आपको, ओके। यूज मल्टी और आइंटिटी स्टेटमेंट का यूज भी हम कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट क्वेरी, क्वेरी को कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। तो क्वेरी को दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, क्वेरी डिजाइन भी हो सकती है, क्वेरी विजार्ड हो सकता है, ये दोनों आज हम सीखेंगे। और ये आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, सेलेक्ट करना जो मैं बताता जाऊंगा एमएस एक्सेस में, वही नोट्स पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़िएगा और साथ में जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको चलाना है। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ एमएस एक्सेस। क्वेरी, क्वेरी को क्रिएट करने के लिए हम कोई भी डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। क्वेरी को देखिए दो तरीके से क्रिएट किया जा सकता है, आप क्रिएट पे जाएंगे, ये पार्ट हमारा टेबल से रिलेटेड था, हमने टेबल बनाना सीखा था, ये पार्ट हमारा क्वेरी से रिलेटेड है, यहाँ लिखा हुआ है। क्वेरी के दो ही ऑप्शन है आपके पास, क्वेरी डिजाइन और क्वेरी विजार्ड। तो डिजाइन बता देता हूँ, डिजाइन तो मैं कई क्वेरी आपको बता चुका हूँ, जैसे किसी एक टेबल से भी आपको सेलेक्ट करना है या दो टेबल से सेलेक्ट करना है, जो भी आप टेबल वो ऐड करा लेंगे, इसमें से जो भी डेटा आपको देखना है आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया में जो लिख देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा डिस्प्ले होगा। हाइस्ट्रिक आर से स्टार्ट होने वाले ये क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, एस स्टार मैंने लिखा, एस से स्टार्ट होने वाले, इसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे आप कंडीशन देना चाहें वैसे कंडीशन, यदि कोई भी कंडीशन नहीं देते हैं, ये देखिए आ जाएगा। मैं डी से कर देता हूँ स्टार्ट तो सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, जैसे यहाँ लिख देता है स्टार डी, ओके। और यदि इसको मैं रन करूंगा, डी आइस्ट्रिक, ये देखिए डी से सभी डी से स्टार्ट होने वाले नाम, ये मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बता चुका हूँ, आप चला लीजिएगा। ये आपकी सिंपल सेलेक्ट क्वेरी थी, अभी हमने कौन सा यूज किया है, सेलेक्ट क्वेरी यूज किया है डिजाइनिंग में। फिर और भी क्वेरी में आपको बताऊंगा, कुछ एक्शन क्वेरी होती है वो भी यूज की गई है, अभी हमने सिंपल सेलेक्ट क्वेरी का यूज किया है, ओके। और भी डिजाइन में अगली जो क्वेरी है हमारी विजार्ड क्वेरी, पहले मैं आज आपको विजार्ड क्वेरी बताने जा रहा हूँ। ये क्वेरी डिजाइन के माध्यम से मैंने सेलेक्ट क्वेरी आपको बताया, अब मैं विजार्ड क्वेरी, आप विजार्ड क्वेरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी क्वेरी आप क्रिएट करना चाहते हैं विजार्ड के अंदर, एक दो तीन चार प्रकार की क्वेरी पाई जाती है, सिंपल, क्रॉस टाइप क्वेरी एंड डुप्लीकेट अनमैच रिकॉर्ड, ओके। तो सबसे पहले सिंपल क्वेरी बता रहा हूँ, सिंपल क्वेरी आप सेलेक्ट करिए, जो जो रिकॉर्ड आप यहाँ पे क्वेरी का जो नाम होगा वो आप देंगे, किस टेबल से आपको क्वेरी बनाना है, डॉक्टर टेबल से, क्या क्या फील्ड आपको देखना है वो यहाँ पे ऐड करा देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डिटेल शो करना चाहते हैं ऐड कर देंगे, फिनिश कर देंगे आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले, ओके। इसके साथ कुछ हम ऐसे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं देख रहा हूँ जिसमें अपनी सैलरी वगैरह स्टोर हो, नहीं मार्क्स के लिए एक टेबल बनाया था हम लोगों ने, रजिस्ट्रेशन है, चेक
चलिए मैं एक टेबल बना दीजिए, जैसे फीस है, चलिए इसको ले लेते हैं, फीस है शीट वन का। अब मैं इसके जैसे विजार्ड क्वेरी यूज कर रहा हूँ, सिंपल आप देखिएगा, फीस पे मैंने ये लिया। अब यहाँ पे एक समरी फंक्शन लिखता है, इस पर आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ग्रुपिंग फंक्शन कहलाते हैं, फीस का सम निकाल सकते हैं, टोटल उसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम भी आप निकाल सकते हैं, जो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा वो वहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये अब चूंकि एक ही फीस है, एक अभी फीस होती है, उसका एवरेज भी निकालता, उसका मिनिमम मैक्सिमम भी निकालता, चूंकि एक ही फीस है इसलिए ज्यादा नहीं निकालता। ओके, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ डुप्लीकेट रिकॉर्ड, फाइंड डुप्लीकेट, किसी टेबल में यदि डुप्लीकेट रिकॉर्ड हैं, मान लीजिए हम क्वेश्चन टेबल ले लेते हैं, क्वेश्चन टेबल में तो होंगे नहीं हमारे पास, जिसमें एसटी इन्फो में ले लेता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट किया, नेम से हमको डुप्लीकेट फाइंड आउट कराना है, तो नेम को सिलेक्ट किया, अवेलेबल फील्ड और क्या देखना है, डेट ऑफ बर्थ और बी कराया, कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड फाइंड नहीं, सेव कर दीजिए। अब मैं इसमें सेव करके दिखा रहा हूँ आपको, किसकी हमने बनाया है, कौन सी टेबल हमने यूज किया है, आप चाहें तो उसका डिजाइन भी देख सकते हैं। ये देखिए कौन सी टेबल है, एसटी इन्फो। अब एसटी इन्फो में कुछ रिकॉर्ड हम डुप्लीकेट कर देते हैं, देखिए अभी कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं है, मैं फिर से नाम राम को डुप्लीकेट कर देता हूँ, डेट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डुप्लीकेट हमने किससे किया है, हमने डुप्लीकेट किससे किया है, नेम से, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया, राम दो बार हो गया इस टेबल में। अब यदि मैं उस क्वेरी को रन करूंगा तो मुझे यहाँ डुप्लीकेट रिकॉर्ड बता देगा, राम डुप्लीकेट, एक बार ये मिल रहा है एक बार ये मिल रहा। तो ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड किसी भी टेबल में फाइंड आउट हम कर सकते हैं, यदि इस टेबल में जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड होंगे वो सारे डिस्प्ले होंगे। अरुण को मैंने डुप्लीकेट किया। ओके, आप टेबल जैसे अपडेट किए, क्लोज किया, यदि मैं इस क्वेरी को रन करूंगा ऑटोमेटिक मुझे देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट राम भी कह रहा मिल रहा और अरुण भी मिल रहा, दो डुप्लीकेट मिल रहा। तो ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेरी विजार्ड क्रॉस टैब में बाद में समझाऊंगा, क्योंकि क्रॉस टैब आपको समझाने में टाइम लगेगा, पहले हमने सिंपल क्वेरी चला लिया, डुप्लीकेट चला लिया, आज सिंपल क्वेरी बता रहा हूँ, फिर कल मैं स्पेशल क्रॉस टाइप पे आपको एक क्लास लूंगा और क्रॉस टाइप क्वेरी को भी समझाऊंगा। ओके, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी, अनमैच्ड क्वेरी किससे, इसी से हम यूज कर रहे हैं एसपी इनको, दो टेबल इसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और दोनों टेबल से टेबल को मिलाना पड़ेगा, जो अनमैच्ड होंगे, जो मैच नहीं कर रहे होंगे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। पहले टेबल में हमने सेलेक्ट कर दिया किसको, एस टी इनफो को, दूसरे में मैंने सेलेक्ट किया रजिस्ट्रेशन को, नेम से और किसका, नेम एस नेम और यू नेम से हम मैच कर रहे हैं, एस टी इनफो टेबल का एस नेम और रजिस्ट्रेशन टेबल का यू नेम, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, जो मैचिंग रिकॉर्ड होंगे अनमैच्ड, जो मैच नहीं कर रहे होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले, दोनों फील्ड हम दिखा रहे हैं, फिनिश। ये देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा, राम रमेश अरुण राम ओम अरुण, देखिए पूरे रिकॉर्ड आपको दिखा दिया, क्यों, अब आप हिस्ट्री में देखिए राम रमेश अरुण ओम सभी उसी तरीके से हमने किससे मैच किया, रजिस्ट्रेशन से। अब मैं इस पर चेंज कर दूंगा, यू चूंकि नस्टी नेम था कहाँ से मैच करें, हमने ऐसे बना दिया था, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ राम, ठीक है, अनमैच्ड कार्ड दिखाएगा और अरुण, ठीक है, राम और अरुण आप नहीं दिखाई देंगे उस क्वेरी को रन करने से, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, जो मैच रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले नहीं होंगे, अनमैच्ड रिकॉर्ड आपके क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, मैच को अनमैच्ड विदाउट मैचिंग, अनमैच में कौन कौन बचा, रामेश और आप देख लीजिए राम और अरुण मैच हो गए, राम नहीं दिखाई देगा, दो बार तो राम था और दो बार अरुण था, इसके अलावा क्या बचा,
रमेश और ओम, इसलिए हमको क्या मिल रहे हैं, रमेश और ओम। अनमैच्ड रिकॉर्ड में कौन से रिकॉर्ड बचे, रमेश और ओम, तो इसलिए हमको रमेश और ओम मिल रहे हैं। राम और अरुण अब हमको वहां पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो क्या हो गए, मैच रिकॉर्ड। ओके, इस प्रकार से आप ये क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्वेरी विजार्ड की बात कर रहे थे, सिंपल क्वेरी हो गई, फाइंड हो गया, हाँ फाइंड अनमैच रिकॉर्ड भी हो गए आपके। अब बच्ची क्रॉस टैग क्वेरी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको एक ऐसी टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। क्रॉस टैग का मतलब है कि रो और कॉलम के रूप में डेटा को मैच करना, रो और कॉलम के रूप में डेटा को क्या कराएं, मैच करें, तब हमको समझ में आएगा कि क्रॉस टैग क्वेरी क्या है। मैं एक बार देखता हूँ, ये एक टेबल बनाते हैं, ये तो क्लास से रिलेटेड टेबल है। चलिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, क्रॉस टैग क्वेरी क्रिएट करते हैं, इसी डेटाबेस के अंदर हम बना लेते हैं। मैं बहुत सिंपल सी टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। नेम नेम हो गया और मार्क, सीधा हिंदी नंबर, इंग्लिश नंबर, मैथ, बस तीन फील्ड बनेगा। अब इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं छोटी सी एक टेबल बना करके क्रॉस टाइप के नाम से सेव करती है, नो प्राइमरी की। इस टेबल पे गया, रिकॉर्ड दे देता हूँ, राम हिंदी में पाया 80, 90, 50, अरुण, रामेश 40, 63, 56, ओके, और ओम। ये एक सिंपल सी टेबल है। अब इसको मैं क्रॉस टैग में क्रिएट कर रहा हूँ, क्वेरी विजार्ड पे गया, क्रॉस टैग पे गया, किसको बनाना है, क्रॉस टैग मेरे टेबल का नाम है, टेबल ऐड किया। अब यहाँ पे हेडिंग के रूप में आपको किसको दिखाना है, जो हेडिंग के रूप में आप दिखाना चाह रहे हैं, तो हेडिंग के रूप में मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मान के चलो इसको हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट किया मैंने, दो फील्ड कहता है कम से कम लेफ्ट के लिए चाहिए, तो हम नेम को दिखा देते हैं, ओके। और ये तीन फील्ड जो हैं इनमें क्लास टाइप के लिए यहाँ पे नेम आएगा, एस नेम, नेम 1, नेम 2, नेम 3, और यहाँ पे हिंदी दिखाई देगा, हिंदी 1, 2, 3, टोटल इंग्लिश 1, 2, 3, ठीक है। विच इज फील्ड वैल्यू डू वॉन्ट टू कॉलम हेडिंग, कॉलम हेडिंग किसको हम बनाएंगे। तो यदि कॉलम हेडिंग में हिंदी को बनाता हूँ, थोड़ा सा क्रॉस टाइप क्वेरी में, तो एवरेज काउंट किससे करूँ मैं, काउंट मान लीजिए एवरेज इंग्लिश का ही निकाल लेते हैं, ऐसे बनाएंगे। अब देखिए एस नेम, ओम, राम, थोड़ा सा इसमें मिस होगा कि क्रॉस टैग क्वेरी जो होती है एक्चुअल में, तो क्रॉस टैग डेटा भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिस हो रहा, क्योंकि हिंदी को मैंने हेडिंग बना दिया, तो हिंदी के मार्क्स यहाँ पे आ गए और ओम राम यहाँ आ गए, उनका टोटल निकाल दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा था क्रॉस टैग क्वेरी के लिए मैं एक अलग से टेबल बनाऊंगा। तो क्रॉस टाइप क्वेरी आपकी बंद हो जाएगी। ये देखिए इस प्रकार से आपके मार्क्स स्टोर है, नेम स्टोर है, ये मार्क्स स्टोर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस टाइप क्वेरी में क्या होता है कि क्रॉस के रूप में मैचिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई ऐसी टेबल चाहिए जिसमें हम क्रॉस टाइप में डेटा को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें, ओके। और उसके लिए हमें कौन से डेटा चाहिए, किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकें,
कितना डेटा, तो उसकी एक एक्सेल टेबल भी होती है क्रॉस टाइप टेबल को बनाने के लिए, क्रॉस टाइप क्वेरी को, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो आप अभी क्रॉस टाइप क्वेरी ऐसे एक डेटा बनाकर बना लीजिएगा, लेकिन इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए मैं एक टेबल आपको बताऊंगा और उस टेबल को फिर बनाइएगा। हमें अलग से एक टेबल ऐसी बनानी पड़ेगी जिसमें क्रॉस टाइप क्वेरी आपको समझ में आए, तो एक टेबल मैं और क्रिएट करता हूँ। अभी तो मैंने ये सिंपल क्रॉस टाइप क्वेरी बना दिया जिससे आपको समझाया किस तरीके से आप क्रॉस टाइप क्वेरी बना सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक टेबल और क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। मान लीजिए कोई सेलिंग की कंपनी है, इसकी जरूरत वहां पे पड़ती है, जैसे सेलिंग की कंपनी है तो वहां पे सेल्समैन के नाम होंगे, टेक्स्ट दे दिया, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के नाम होंगे। ओके, प्रोडक्ट के जो नाम होंगे वो एक्चुअल में आप कोई भी रख सकते हैं, जो प्रोडक्ट नेम हो उनको आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो हम प्रोडक्ट नेम अपने अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ पी नेम, प्रोडक्ट नेम, और एक अमाउंट दे देता हूँ या रेट कर देता हूँ। ठीक है, पी अमाउंट, ओके, ये नंबर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे तीन फील्ड लिए, अभी एक सिंपल सी ये भी क्वेरी मैं समझा रहा हूँ। क्रॉस टाइप के लिए मैंने बनाया, क्रॉस लिख दिया नो प्राइमरी की, और टेबल नेम कुछ भी आप दे सकते हैं। अब मान के चलिए राम है सेल्समैन, उसने प्रोडक्ट जो सेल किया कंप्यूटर, क्या सेल किया कंप्यूटर, कितने का सेल किया उसने, अब कितने का सेल किया वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए उसने 10,000 का प्रोडक्ट सेल किया। ओके, फिर रमेश है और उसने सेल किया मोबाइल। ओके, इसने कितने का किया 5,000 रुपये का। मैं दो ही तीसरा भी चलो एक मान लेते हैं, अरुण है, उसने भी कंप्यूटर सेल किया। ओके, कंप्यूटर ही सेल किया उसने, और उसने कितने का किया 12,000 रुपये का। फिर राम ने फिर सेल किया होगा, अब इस बार राम ने फिर कंप्यूटर सेल किया। ओके, और इस बार कितने का किया उसने 13,000 रुपए का, मेरी बात समझिएगा आप। ठीक है, फिर रमेश ने सेल किया, और मान लीजिए रमेश ने मोबाइल ही सेल किया। दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कंडीशन, या मैं चाहता हूँ कि राम कंप्यूटर का सेल्समैन है तो कंप्यूटर ही सेल करे, और रमेश जो है मोबाइल का है तो मोबाइल सेल करे, अरुण भी कंप्यूटर, दो मेरे सेल्समैन कंप्यूटर के हैं, अरुण और राम, तो कंप्यूटर सेल कर रहा है या रमेश मोबाइल। ठीक है, इस बार मोबाइल उसने 6,000 का सेल किया। अब मान लीजिए इतने ही रिकॉर्ड है, पहले हम मैं इस पे क्रॉस टाइप क्वेरी बना रहा हूँ, इसमें आप गए क्रॉस टाइप क्वेरी के लिए, यहाँ पे गया, अब देखिए मुझे किस में क्रॉस टाइप बनाना है, क्रॉस में। ओके, मैंने सेलेक्ट किया, अब रो मुझे किसको देना है, मान लीजिए सेल्समैन को। ठीक है, अब मुझे हेडिंग किसकी बनाना है, प्रोडक्ट नेम की। ठीक है, अब काउंट मैं किससे करूंगा, मैं काउंट करा रहा हूँ या एवरेज निकलवा सकता हूँ या लास्ट मैक्सिमम जो भी आप देना चाहिए, सम निकलवा सकते हैं, टोटल भी आप निकलवा सकते हैं, मैं यहाँ पे काउंट करा रहा हूँ। ठीक है, एक बार काउंट बना लेते हैं, चेंज कर, आप देखिए आपको समझ में ये टेबल में आपको क्रॉस टाइप क्वेरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कैसे, सेल्समैन अरुण ने टोटल कितना सेल किया, यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, बहुत यूजफुल क्वेरी है, एमएस एक्सेल की बहुत अच्छी क्वेरी है। अरुण ने कितना सेल किया है, सिर्फ एक क्वांटिटी सेल किया है, वो भी क्या सेल किया है, कंप्यूटर। आगे समझे, क्या सेल किया है, कंप्यूटर सेल किया। मैं चाहता था जरा भी अमाउंट भी निकाल सकता था कि कितने का सेल किया, वो आगे देखिए। ठीक, राम ने टोटल कितना सेल किया है, टू, टोटल जो अमाउंट इसने सेल किया है कितना किया है, टू, और क्या सेल किया है, टू कंप्यूटर। रमेश ने कितना सेल किया है, टू, और क्या सेल किया है, मोबाइल। अब तो शायद आपको आ गया होगा समझ में, मैंने क्राफ्ट के लिए दूसरा एग्जाम्पल भी बता दिया। अब मैं यहाँ चेंज भी कर देता हूँ, मान लो राम हमारा मोबाइल कौन सेल कर रहा है, रमेश, रमेश को कंप्यूटर भी सेल करा देता हूँ, देखिए वहां चेंजेस हो जाएगा, कंप्यूटर। ओके, इसने कंप्यूटर भी सेल कर दिया 15,000 का। ओके, और राम को मोबाइल भी सेल करा देते हैं, इसने 8,000 का मोबाइल भी सेल कर दिया।
आप देखिए अपनी क्रॉस टाइपोलॉजी को, उसको एक बार क्लोज करिएगा, सेव कर दीजिएगा, क्रॉस टाइप क्वेरी अपनी ओपन करिएगा। ये देखिए, अब अरुण एक ही सेल किया, राम ने तीन सेल किया, तीन में क्या, दो कंप्यूटर एक मोबाइल, ओके। और रमेश ने कितने सेल किया, तीन, एक कंप्यूटर दो मोबाइल। ये कहलाती है क्रॉस टाइप क्वेरी। ऐसे हम क्रॉस टाइप क्वेरी हमें से कुछ में निकाल सकते हैं। फिर से मैं एक बार बना रहा हूँ क्रॉस टाइप क्वेरी। आप देखिए अभी फील्ड इसमें मैंने कम लिया था, और ज्यादा फील्ड में ले सकता हूँ, और मुझे क्रॉस टाइप के चाहिए। मैंने छोटा सा एग्जांपल बनाने की कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए, और जो हेड मुझे किसको बनाना है, हेड प्रोडक्ट नेम या पेमेंट किसको आपको देना है, जिसको भी आप देना चाहें, हेड मैं प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ, कितने प्रोडक्ट हैं। अब इस बार मैं काउंट निकाला था, और मैं एवरेज निकाल के सम निकालूंगा इस बार। क्या निकालूंगा, सम, ओके। देखिए क्या मिलेगा, अब टोटल अमाउंट बताएगा। क्रॉस टाइप क्वेरी में ये देखिए, अरुण ने जो टोटल सेल किया है कितने का किया है, 12,000 रुपए। कैसे, 12,000 का कंप्यूटर। राम ने टोटल सेलिंग कितनी की है, 31,000 रुपए। कैसे, 23,000 रुपए की कंप्यूटर सेल किया है, और 8,000 का मोबाइल। ओके, तो इस तरीके समझ में आ गया। और रमेश ने जो टोटल सेलिंग की है 26,000 रुपए की, 15,000 रुपए का क्या कंप्यूटर, और 11,000 रुपए के आपके मोबाइल। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसका आप डिजाइन भी देखिएगा, आप डिजाइन भी देखेंगे तो आपको और पता चलेगा डिजाइन में जाएगा कैसे निकालता है। रो हेडिंग ये देखिए, कॉलम सम, यहाँ पे हमने सम निकाला टोटल, और यहाँ पे मैं और भी टोटल निकाल सकता हूँ यदि मुझे चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट है, यहीं पे मान लीजिए मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ काउंट कर दिया, ओके, और ये दिया टोटल PAMT, ये मैंने नाम दिया। और यहाँ पे आप सेलेक्ट किए क्लास टाइप, ग्रुप बाई की जगह आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे मैं दे दूंगा काउंट। कहाँ गया हमारा काउंट, काउंट, ठीक है। और इसको हम क्या बनाएंगे, जो आपकी पेमेंट वैल्यू है, देखिए वैल्यू एक ही लेता है, आपको और वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। जो पेमेंट वैल्यू है यहाँ पे लिया है, रो हेडिंग आप कर सकते हैं इसको, रो हेडिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा रन किया, देखिए अब यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी। मैंने क्वेरी में चेंज किया, अरुण ने कितना सेल किया, जो सेल किया टोटल अमाउंट 12,000 का, क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसने टोटल आइटम कितने सेल किए हैं, एक 12,000 का कंप्यूटर। राम ने 31,000 की सेलिंग की है, और टोटल आइटम कितने सेल किए हैं, तीन, ओके, यानी कि 23,000 का ये और 8,000 का मोबाइल। रमेश ने कितने सेलिंग किया, 26,000 के, तीन। इस तरीके से, और अलग अलग क्वेरी भी आप बना के रख सकते हैं, इससे हमको ये पता चल रहा है, और दूसरी क्वेरी से रन कर लेंगे तो हमको इससे ये पता चल जाएगा आइटम कितने कितने सेल हुए हैं। अरुण ने एक जो सेल किया है कंप्यूटर पर सेल किया है, राम ने जो तीन सेल किए हैं उनमें से दो कंप्यूटर और एक मोबाइल, और रमेश ने जो सेल किया है तीन, उनमें से एक कंप्यूटर और दो मोबाइल। आप ट्राई करिएगा। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस बार बताइएगा, फिर से मैं क्रॉस टाइप क्वेरी बता दूंगा आपको। क्रॉस टाइप सिंपल क्वेरी और विचार की सारी क्वेरी आज मैंने बता दी, इसके अलावा मैं एक्सेल क्वेरी भी बता दूंगा। आज हमने सिंपल क्वेरी भी सीखा, क्रॉस टाइप क्वेरी भी सीखा, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी भी सीखा, और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी भी सीखा। चलाना कैसे, स्टेप आपको कॉपी में लिख लेना है। इन क्वेरी को चलाने के लिए पूछता है कैसे बनाते हैं, तो मैंने नोट्स भी दिया है साथ में, आप स्टेप बताएंगे। क्रिएट टाइप पे क्लिक करते हैं, इसके बाद हम किस में जाते हैं, क्वेरी पे, क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारे सामने न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इसमें से ये ऑप्शन मिलते हैं, डायलॉग बॉक्स आप बना भी देंगे, और इसके बाद फिर जो क्वेरी आपको क्रिएट करना होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उसके
रिलेटेड डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो जाता है, हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप भी देखेंगे। ओके, आज की क्लास मैं क्लोज कर रहा हूँ।